देखिए अभी देख सकते हैं कितना क्लियर है, हल्का सा ऐसा पुश करूंगा एंड हल्का सा ऐसा पुश करूंगा, देखिए जो कवर है वो फिक्स हो गया। मोबाइल खरीदने के बाद सबसे पहले एक चीज तो जरूरत होता है, वो है बैक कवर का। एंड फोन का बैक साइड अगर ग्लास का बना हो तो बैक कवर और भी जरूरी हो जाता है। कंपनी की तरफ से एक बैक कवर दिया जाता है, मैं दिखा देता हूँ। सो, ये आपको बॉक्स में ही आ जाएगा ये जो बैक कवर है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है फोन को किसी भी टाइप का इम्पैक्ट से बचाने के लिए। सो, मुझे चाहिए था एक अच्छा सा बैक कवर जो कि मेरे फोन को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करे एंड साथ ही साथ फोन का लुक देख लीजिए, ये लुक को मैं हाइड नहीं करना चाहता हूँ। वो बैक कवर भी मेरे पास आ गया है। सो, चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसको अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास आ गया है रिंके की तरफ से ये बैक कवर, आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रीमियम क्वालिटी बैक कवर है, ये मेड इन चाइना नहीं है, दिस इज मेड इन साउथ कोरिया। एंड इस बैक कवर में जो मटेरियल यूज किया गया है वो है पॉलीकार्बोनेट TPU एंड सिलिकॉन। दोस्तों मैंने पहले ही बताया ये जो प्रोटेक्टिव केस है ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है, इसके लिए इसके बाहर एंड अंदर एक प्रोटेक्टिव फिल्म दिया गया है। तो आप जब भी फोन को इसमें फिक्स करें उससे पहले ये दोनों फिल्म निकाल ले। थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पे फिल्म दिया गया है, इसको खींचेंगे ना तो अंदर का जो फिल्म है वो निकल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके, देखिए इसको मैं पुल करूँगा यहाँ से, सो अंदर का जो फिल्म है देखिए ये निकल गया प्रोटेक्टिव फिल्म। एंड सेम बाहर में भी है, सो बाहर में भी ऐसे पुल करेंगे, देखिए एकदम क्लियर है, मतलब ये इतना क्लियर है। मेरा फेस देखिए, एंड फेस के सामने अभी कवर को ला रहा हूँ, थोड़ा लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो, देखिए अभी देख सकते हैं कितना क्लियर है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी एकदम, मतलब ग्लास जैसा लग रहा है, इतना क्लियर है ये। सो, अभी हम लोग कवर के अंदर फ़ोन को फिक्स करेंगे। सबसे पहले कवर यहाँ पर रख लेता हूँ, देखिए फ़ोन को यहाँ पर ऐसे रखूँगा, हल्का सा चारों साइड में थोड़ा पुश करना पड़ेगा, एक्चुअली दो साइड फिक्स हो जाता है, बाकी का जो दो साइड है हल्का सा ऐसा पुश करूंगा एंड हल्का सा ऐसा पुश करूंगा, देखिए जो कवर है वो फिक्स हो गया। इस कवर को खरीदने का एक पॉइंट ये है कि फ़ोन का जो लुक है बहुत ही अच्छा है एंड फ़ोन का जो कलर भी मैंने चूज़ किया है ये भी मुझको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सो, मैं नहीं चाहता था कि फ़ोन का जो लुक है मैं हाइड कर दूँ, तो इसके लिए मैंने ये कवर को चूज किया। थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, पीछे देख सकते हैं बैक साइड में कितना क्लियर है। सो, फोन का जो कलर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से शो हो रहा है। एंड साथ ही साथ रेडमी का जो ब्रांडिंग है, थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, देखिए ये भी क्लियरली दिख रहा है। सो, ये एक रीजन है ये कवर को चूज करने के पीछे। दोस्तों इस कवर में टॉप में, बॉटम में एंड चारों साइड में बहुत सारे कटआउट दिए गए हैं जो कि परफेक्ट है। कैमरा का जो एंगल है वो थोड़ा चेंज कर लेते हो एंड आपको ये पॉइंट शो कर देते। दोस्तों इस बैक कवर में पोर्ट्स के लिए जो कटआउट दिया गया है वो बहुत ही सही तरीके से दिया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं माइक और जो आयर ब्लास्टर है उसका कटआउट, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्पीकर का जो कटआउट है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 3.5mm का जो जैक है उसके लिए कटआउट दिया गया है। सो, ये रहा 3.5mm का जैक, अभी देख लेते हैं सही तरीके से फिट होता है या नहीं होता है। सो, एकदम सही तरीके से फिट जो है वो हो गया, देख सकते हैं सही तरीके से ये फिट हो गया। इसमें टॉप तो देख लिया, अभी बॉटम का पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पे स्पीकर का कटआउट दिया गया है, यहाँ पे माइक का कटआउट, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं USB टाइप सी जो पोर्ट है उसका कटआउट दिया गया है। सो, USB टाइप सी पोर्ट अभी देख लेते हैं। सो, इसमें सही से फिट हो जाता है। सो, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर का कटआउट दिया गया है। सो, यहाँ पे मैं टच करूँगा, देखिए फ़ोन अनलॉक हो गया, फिर फ़ोन को लॉक कर दूँगा, टच अनलॉक बंद, टच अनलॉक। सो, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा आपको। और एक चीज़, ये फिंगरप्रिंट सेंसर का कटआउट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों साइड, ये जो ये साइड ऐसा नॉर्मल पोजिशन में आ रहा है, फिर ऐसा स्लाइटली ऐसा डाउन हो गया, ये कवर साइड से ऐसा स्ट्रेट आ रहा है, एंड देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस में ये हल्के से ऐसा डाउन हो गया। सो कंपनी का जो डिजाइन है वो भी मुझको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगा है। सो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे टच करेंगे, देखिए अनलॉक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लॉक टच करेंगे, देखिए अनलॉक हो जाएगा। एंड साथ ही साथ देखिए राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, यहाँ पे आप आपके मोबाइल को टाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कवर है आपके मोबाइल को अच्छे से प्रोटेक्शन दे देगा। सबसे पहले दिखा देता हूँ, कॉर्नर में देख सकते हैं कॉर्नर में कॉर्नर बम्प दिया गया है। थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, देखिए कॉर्नर में कॉर्नर बम्प दिया गया है। ये साइड में भी देखेंगे सेम, इधर भी देखेंगे सेम, कॉर्नर में कॉर्नर बम्प दिया गया है एंड दिस साइड ऑल्सो। सो चारों साइड में कॉर्नर बम्प दिया गया है। सो कॉर्नर के साइड से अगर फोन नीचे गिरता है इम्पैक्ट ये सह लेगा। उसके बाद आते हैं बैक साइड में। सो बैक साइड में देखिए कॉर्नर बम्प के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये थोड़ा एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्लियर कवर में आपको ये एक्सटेंशन नहीं मिलता है। मैंने दूसरा क्लियर कवर ऑर्डर भी किया था लेकिन बाद में कुछ पॉइंट्स देख के कैंसिल किया एंड इसको ऑर्डर किया। सो कॉर्नर का जो एक्सटेंशन है ये देखिए ये थोड़ा अंदर तक जा रहा है, प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा है दूसरे कंपनी के क्लियर कवर एंड इस क्लियर कवर में। तीनों साइड में ये प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड जो कैमरा वाला साइड है वहाँ पे भी देखिए कॉर्नर में ये जो प्रोटेक्शन है कॉर्नर बम के साथ में, देखिए कॉर्नर बम तो यहाँ से आपको पता चल ही रहा है, लेकिन जो एक्सटेंशन वाला प्रोटेक्शन है जो अंदर की तरफ जाता है वो यहाँ पे भी आपको दिखने के मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कैमरा है बोल के पूरा दिया है। एंड आपका मोबाइल अगर सीधा गिरेगा तो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उतना नहीं आएगा, क्योंकि जो कवर है वो टेम्पर्ड ग्लास से भी हाइट पे है। थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ, देखिए कवर जो है कवर हल्का बाहर की तरफ जो है वो निकला हुआ है। एंड जब मैचेस से आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोनों साइड में देखिए मैचेस इसमें धक्का खा रहा है। सो ये जो है ये सब बाहर का जो कवर है वो टेम्पर्ड ग्लास से भी हाइट पे है। एंड जो कैमरा प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पे दिया गया है। सो ये जो पोर्शन देख सकते हैं ये कैमरा के ऊपर आता है। दोस्तों इस फोन में जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखिए जो कवर है वो अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कवर का जो बैक साइड में जो कैमरा प्रोटेक्शन के लिए साइड में ऐसा थोड़ा सिलिकॉन रबर जैसा फिनिश दिया गया है, ये कैमरा से भी हाइट इसका ज़्यादा है। सो कैमरा को भी ये अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। मैक्सिमम टाइम हम लोग फ़ोन को ऐसे रखते हैं सो कैमरा का जो हिस्सा है ये घिस सकता है, लेकिन जो कवर का पोर्शन है कैमरा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वो कैमरा से भी ज़्यादा हाइट पे है। इसके लिए जब भी ऐसा रखूँगा तो कैमरा नीचे घिसेगा नहीं। दोस्तों इस कवर को हम लोग इतना इजीली छोड़ नहीं देंगे, थोड़ा टेस्ट भी करेंगे। सो इसमें थोड़ा पाउडर टेस्ट करके देख लेते हैं। थोड़ा सा पाउडर लाके मैं टेबल के ऊपर स्प्रेड करूंगा एंड देखेंगे कि एक्चुअल में डेली यूज में ये कवर फोन को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो अभी टेबल के ऊपर थोड़ा सा पाउडर में स्प्रेड कर लूंगा एंड बैक कवर देखिए अभी एकदम क्लीन है। सो बैक कवर को यहाँ पे रख दिया है, 1 2 3 4 5। सो कौन सा जगह थोड़ा सफेद हुआ है मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको पास से। देखेंगे देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ पे भी देखिए कॉर्नर पे थोड़ा सा सफ़ेद ऐसा हुआ है एंड यहाँ पे भी कॉर्नर पे हुआ है। एंड जो कैमरा बम्प है देखिए ये हल्का सफ़ेद वाला देखिए हिस्सा, ये देखिए कैमरा को चारों तरफ हल्का ऐसा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद हुआ है, मतलब चारों तरफ, मतलब ये जो प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन के ऊपर वाला हिस्सा में कैमरा में थोड़ा सा भी पाउडर का निशान आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप सरफेस के ऊपर इसको रखेंगे तो जो कैमरा बम्प है वो नीचे टच नहीं होगा। मुझे इस कवर का सिमिलर दूसरा बैक कवर भी मिल रहा था बहुत सस्ते में, लेकिन उसमें जो ये कैमरा पोर्शन देख रहे हैं ये ऐसा ओपन नहीं था,
कैमरे के ऊपर थोड़ा सा ढका हुआ था, जिससे कैमरा का जो शो है, मतलब देखिए कितना अच्छा डिजाइन दिया गया है, ये ढक जाता था। वो ऐसा कैमरा प्रोटेक्शन तो काम में आता था, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये जो कैमरा का डिजाइन है वो दिखाऊँ, वो उसमें पॉसिबल नहीं था, इसमें पॉसिबल है। दोस्तों ये प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है। इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बेस्ट बाय लिंक पे क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोज आने वाले हैं।